आज हम विषय हिंदी का पाठ वीरभूमि पर कुछ दिन उन उसकी जो लेखिका है रुक्मिणी संगल संगल जी का परिचय देखने वाले हैं। संगल जी का जन्म 1 सितंबर 1945 में बुढ़ाना उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेखिका ने दिनकर जी का जो काव्य है उसका दिनकर जी के काव्य का भी परिचय उन्होंने अपने अपने साहित्य में किया है। लेखिका रुक्मिणी संगल जी यात्रा वर्णन करती हैं। इस यात्रा वर्णन में लेखिका ने विशेष रूप से राजस्थान की जो वीर भूमि रही है, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान की जो भूमि है वह पहले से ही वीरों की भूमि रही है। जैसे कि लेखिका सबसे पहले यात्रा करती हैं जोधपुर की, फिर जैसलमेर की, फिर चित्तौड़ की, इस प्रकार 3 शहरों की यात्रा करती है। वह भी रेल के द्वारा, रेल से ही वो सफ़र करती है, अलग अलग जगहों पर जाती हैं। सबसे पहले जोधपुर का जो उनका गंतव्य स्थान था वो जोधपुर में वो रुकती हैं, और जोधपुर में रुकने के बाद वहाँ की जो सबसे बड़ा भवन है जिसे उम्मेद भवन कहा जाता है, उस उम्मेद भवन का वह निरीक्षण करती है। वहाँ की कला का बहुत ही अप्रतिम नमूना वह पेश करती है। इतना ही नहीं, जैसे जैसलमेर जाती है तो जैसलमेर में सबसे पहले पटवा की हवेला देखती है। पटवा की हवेलियों में उन्होंने वहाँ के कला का, वहाँ का वास्तुशिल्प का, वहाँ के कलाकारों का बहुत ही विस्तार से चित्रण किया है प्रस्तुत पाठ। इसके बाद लेखिका चेतक का नाम जब सुनती है, मतलब चेतक वह महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था, इसका भी उल्लेख कवि लेखिका ने अपने वीरभूमि पर कुछ दिन इस पाठ में किया है। वहाँ पर उनका जो दुर्ग है उस दुर्ग में की भी वह यात्रा करती है। दुर्ग में अलग अलग प्रकार के जो स्थान हैं, जैसे जैन मंदिर है, जो 23-24 तीर्थकार हैं जैनों के, उसका भी वर्णन बड़ी ही विस्तार से लेखिका ने अपने पाठ में किया है। तो इस प्रकार लेखिका अलग अलग जगहों पर घूमती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं, वहाँ की कला की, वहाँ की संस्कृति का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने किया है।